नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो फिर से एक बार भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई एक पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने आ रही है, जिसमें एक बार फिर इंडियन नेवी ने अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए एक और शिप को और उसके ऊपर उपस्थित सभी क्रू मेंबर्स को सक्सेसफुल रेस्क्यू किया। अभी तक जो ज्यादातर इंसिडेंट्स आते थे वो सोमाली पायरेट्स से रिलेटेड थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है रेड सी में, जहां पर रशिया से निकले हुए एक क्रूड ऑयल कंटेनर को, जिसका नाम है एमवी एंड्रोमेडा स्टार, उसके ऊपर यमन से हूतीज ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ये घटना हुई 26 अप्रैल को और जैसे ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी डिस्ट्रॉयर INS कोची को इस ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय कर दिया। कुछ ही समय बाद INS कोची ने इसको इंटरसेप्ट किया, इस एमवी एंड्रोमेडा स्टार को, जो कि ओरिजिनली सेशेल्स में रजिस्टर्ड है और पनामा फ्लैग है, उसको उन्होंने इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद हेलियोस के माध्यम से यानी कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसका एरियल सर्वे किया ताकि चेक किया जा सके कि उसके ऊपर डैमेज कितना है और क्या परिस्थितियां उस शिप के ऊपर डेवलप हुई है। एरियल सर्वे करने के बाद EOD टीम को उतारा गया उस शिप के ऊपर। EOD का मतलब होता है एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल, यानी कि वो टीम जो स्पेशली ट्रेन है ये चेक करने के लिए कहीं पर अगर कोई एक्सप्लोजिव होने की या एक्सप्लोजन होने की खबर आती है तो वे लोग सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और ये चेक कर रहे हैं कि क्या वहां पर ऐसे कोई भी पदार्थ उपस्थित है या ऐसी कोई भी चीजें उपस्थित है जो फिर से एक्सप्लोड हो सकती है और लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसका रिस्क असेसमेंट करने के लिए EOD टीम को इस शिप के ऊपर उतारा गया। उन्होंने रिस्क असेसमेंट करने के बाद जब ये पता चला कि कोई भी दुर्घटना होने की और संभावना नहीं है, तो उन्होंने उस शिप पर जो 30 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 22 इंडियन क्रू मेंबर्स थे, उनको रेस्क्यू किया और शिप का जायजा लिया। जायजा लेने पर ये पता चला कि भले ही एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला क्यों ना हुआ हो, ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो उसी के चलते शिप को आगे बढ़ने के लिए उन लोगों ने परमिशन दे दी और वो शिप अपने रास्ते पर निकल गया। तो इसी तरह के भारतीय नौसेना ने फिर से एक बार अपने पुरुषार्थ, पराक्रम और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण देते हुए जैसे ही पता चला और जितनी ही जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन लोगों ने शिप को इंटरसेप्ट किया, वहां पर पहुंचे ताकि उन लोगों को सेफ्टी फील कराई जाए और कोई भी दुर्घटना होने से बचाई जाए। तो इसी पुरुषार्थ, पराक्रम और समर्पण के लिए हम भारतीय नौसेना को फिर से एक बार साधुवाद करते हैं इन लोगों की जान बचाने के लिए और इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसके बारे में न्यूज हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे 2 दिनों पहले भी शेयर किए थे, तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जाकर जरूर ज्वाइन करें। और आपको ये खबर कैसी लगी है हमें कॉमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये जो परिश्रम है वो सार्थक हो सके। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।